उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में। पुलिस के साथ जाने को तैयार हूँ, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। जनता का क्या कसूर है? ऑफिस जाने वाले ऑफिस नहीं जा पा रहे, जिन्हें जहाँ जाना है वहाँ नहीं जा पा रहे, छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेसी कार्यकर्ता संभल जाने के लिए निकले थे, लेकिन योगी की पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इनके काफिले को गाजीपुर में बीच सड़क ही रोक दिया। पुलिस सामने राहुल गांधी को रोकने खड़ी थी, लेकिन पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कोई दफ्तर को निकला था, कोई घर के काम से, लेकिन जो जहां थे जाम में वहीं फंस गए। लोगों की सब्र का बांध टूटने लगा। कांग्रेसी कार्यकर्ता और आम लोग सड़क पर ही भिड़ने लगे और पुलिस तमाशबीन बनी रही। हालांकि पुलिस ने जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला रोका तो लोगों ने गुस्सा भी जाहिर किया, क्योंकि सड़क पर जाम लगा तो लोग परेशान होने लगे। कोई कहीं भी जा रहा था, एक मिनट बात सुनिए, नहीं कोई कहीं भी जा रहा था, गाड़ी में सबके बच्चे हैं छोटे, तो क्या तरीका है जी? संभल जाना है तो चुपचाप चले जाते जी। मीडिया चाहिए थी, अटेंशन चाहिए था, पूरा हल्ला मचाया, यहाँ इतने सारे खड़े कर दिए, दुखी कौन हो रहा है? जनता जाम में है, उसके बावजूद काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? काम तो चलता रहेगा, ये तो तमाशा पता नहीं, ये तमाशा तो चलता रहेगा, इसके लिए क्या काम थोड़ी रुकेगा। परेशानी हो रही है, आदत है। कहाँ जाना था आपको? गाजियाबाद। और ये वर्क जो कर रहे हैं आप, ये अपने का ऑफिस का काम कर रहे हैं? कब से फंसे हुए हैं आप लोग? डेढ़ घंटा हो गया। बच्चा भी आपके साथ है, धूप भी है, गर्मी भी है, कोई परेशानी हो रही है? कितनी परेशानी फील कर रहे हैं? बहुत, तो बच्चे पानी मांग रहे हैं, कभी गर्मी लग रही है बच्चों को जी। कहाँ जाना था आप लोगों को? हमने हापुड़। और कितना समय हो गया होगा फंसे हुए? डेढ़ घंटा हो गया, हमको डेढ़ से ज्यादा ही हो गया होगा। हालांकि राहुल और प्रियंका को यूपी पुलिस ने रोका तो राहुल गांधी अपनी कार से बाहर निकलकर पुलिस और प्रशासन से बातचीत करते दिखाई दिए। ये सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूँ, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूँ, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। राहुल गांधी को बतौर नेता प्रतिपक्ष संभल जाने से यूपी पुलिस ने रोका तो उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी योगी सरकार और यूपी पुलिस पर बरस पड़ी। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में। तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। खैर, बताया ये जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर में काफिला रोके जाने से लगी लंबी जाम और लोगों को परेशान होता देख राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तय किया कि यूपी पुलिस की बद इंतजामी की सजा आम लोगों को नहीं देंगे और राहुल और प्रियंका ने गाजीपुर से वापस लौटने का फैसला लिया।